और मैं जानता हूँ कि वो हमारी इंडस्ट्री से हैं और हमारे वो चाहते हैं कि अगर पॉलिटिक्स में गए हैं तो हमारे देश का कुछ भला करना चाहेंगे वो लोग। तो अगर उनकी ये सोच होगी कि हम अपने जिस समाज का भला करने के लिए इस फील्ड में आए हैं तो उनके साथ मेरा सपोर्ट होगा, किसी व्यक्तिगत इंसान के साथ मेरा कोई सपोर्ट नहीं। मतलब किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं मेरा है? किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। मुझे आप एक आदमी बता आप जनरली एक मैं सोच बता रहा हूँ कि मैंने ये सीखा है कि पार्टी मज़हब ये सब कोई चीज़ नहीं होती। एक होता है अच्छा और एक होता है बुरा। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, अगर कोई इंसान बुरा काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं इस सोच से चलता हूँ। क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से और अपने दोस्त भी ऑडियंस से कि किसे वोट दें और किसे सपोर्ट करें? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस बहुत ही स्मार्ट है, वो जानती है, और वोट करने का जो हक है वो 18 साल के बाद आता है। तो तब तक आप में इतनी समझ आ गई होगी कि कौन सही है कौन गलत है। अपना वोट बिल्कुल सोच समझ के दीजिए। एक आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और जिम्मेदार नागरिक होने के तहत आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी देश की प्रगति हो, उन्नति हो। तो आप अपना योगदान जो है वो अच्छे की तरफ दें देखते हुए। हम ही कहे के चाहें कि वोट देवे के जौन हक बा वो 18 साल के ऊपर के व्यक्ति लोग के बा। तो 18 साल के रुवा लोग हो गए बानी लोग, तो रुवा लोग के सोच समझ एकदम बढ़िया हो गए बाटे। तो रुवा लोग सोच समझ के रुवा लोग के अच्छा और बुरा के परख हो गए बा। तो एकदम सोच समझ के अपना देश के प्रगति होके अपना देश के उन्नति होके ए हिसाब से अपना क्षेत्र खातिर जेकरा खातिर भी रुवा वोट देते हैं लोग, ई सोची लोग कि देश के प्रगति होके।